अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन के नाम आज की अहम वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं शाहनवाज धानी और शाहिद खान आफरीदी के बारे में। शाहिद खान आफरीदी ने जब शाहनवाज धानी पे मीडिया पर बैठ के तनकीद की, शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो धानी ने आफरीदी को किस तरह जवाब दिया, नाम भी नहीं दिया और बेइज्जत भी कर दिया। धानी के बारे में आपको बताते चलें कि इनका ताल्लुक लड़काना सिंध से है और गुज़िश्ता PSL से इन्होंने तरक्की करते हुए पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। इस मरतबा धानी मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेल रहे हैं और इस टीम में इमरान ताहिर भी शामिल है, जिनकी सेलिब्रेशन का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। जब वो कोई विकेट लेते हैं तो फिर दौड़ने लगते हैं और मैदान के किनारे पर आ जाते हैं। शाहनवाज धानी ने अपने ही इस टीम के प्लेयर का अंदाज अपनाया, विकेट लेते और वहाँ से दौड़ते दौड़ते मजमे की जानिब आते और वहाँ मखसूस अंदाज से इशारे करते। लोगों ने इस अंदाज को बहुत पसंद किया, कुछ लोगों को ये पसंद ना भी आया। शाहिद खान आफरीदी एक मीडिया टॉक में शरीक थे, उनसे ये सवाल किया गया कि धानी ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। आफरीदी ने धानी की दुर्गत बना डाली और कहा, यह भी बच्चा है, इसको पहले कुछ अचीव करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। अभी तो इसने क्रिकेट स्टार्ट की है, खेली तो नहीं है। शाहिद खान आफरीदी के इन कमेंट्स का बड़ा चर्चा हुआ और धानी तक भी ये कमेंट्स पहुँचे। लाहौर कलंदर के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की जानिब से धानी ने खेलते हुए इस मरतबा 4 ओवर्स किए, 19 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल किए। मुल्तान सुल्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। एक वक्त था जब लग रहा था कि मुल्तान हार जाएगा, धानी ने विकेट ली और मैच का पांसा पलट दिया। अहम विकेट लेने पर भी धानी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की। फिर दूसरी विकेट ली, फिर भी धानी अपने पुराने मूड में नज़र नहीं आए। लेकिन तीसरी मरतबा जब धानी ने शाहीन शाह आफरीदी को बोल्ड किया, जो शाहिद खान आफरीदी के दामाद भी हैं, तो धानी ने अपनी पुरानी सेलिब्रेशन को दोहराया। दौड़ते दौड़ते किनारे पर गए, मखसूस इशारे किए, उछल कूद की और अपना पुराना पन दिखा दिया। सोशल मीडिया सार्फीन ये कहते नज़र आए कि धानी ने आफरीदी को अपनी कारगर्दगी से जवाब दे दिया है। याद रहे कि पिछले मैच में जब शाहीन शाह आफरीदी ने 1 ओवर में 23 रन बनाए थे तो शाहिद खान आफरीदी ने उसको दाद दी थी और उनके हक में ट्वीट किया था। आज धानी ने शाहीन आफरीदी को 1 रन पर बोल्ड करके अपनी सेलिब्रेशन का जवाब बना दिया। शाहिद खान आफरीदी यकीनन एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन धानी को उसकी सेलिब्रेशन का हक मिलना भी चाहिए। यूँ महसूस होता है कि धानी पाकिस्तान में अपनी हरकतों की वजह से क्रिस गेल मशहूर होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।